ये जो वन प्लस का ब्लूटूथ नेकबैंड है वायरलेस जी, इसका जो लेफ़्ट साइड का स्पीकर है उसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, इसमें यही प्रॉब्लम है। तो पहले मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ करके। तो यहाँ से इस ब्लूटूथ नेकबैंड को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है क्योंकि मैंने इसको पहले ही कनेक्ट कर लिया था। तो यहाँ पर इसका जो साउंड है वो मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ से साउंड को प्ले कर लेते हैं। और इस वाले में यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, आप सुन सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो राइट साइड का स्पीकर है ये एकदम ओके है, और इस लेफ्ट वाले स्पीकर में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो इस ब्लूटूथ नेकबैंड को हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो ब्लूटूथ नेकबैंड है, अब इसको हमें ओपन करना होगा। प्रॉब्लम इस वाले स्पीकर से आ रही है, इसका जो लेफ़्ट वाला स्पीकर है। तो सबसे पहले इसे ओपन करने के लिए इसकी जो रबर है इसको हटाना है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इसमें जो डस्ट वगैरह है वो लग गई है। सबसे पहले इसको हमें ओपन करना होगा क्योंकि प्रॉब्लम इस स्पीकर से आ रही है। और इसको यहाँ से रिपेयर करने के बाद यदि आवाज़ नहीं आती है तब हम इसको इस साइड से ओपन करेंगे। तो पहले इसको इस साइड से ओपन कर लेते हैं क्योंकि ओपन करने में ये जो नेकबैंड है काफ़ी प्रॉब्लम आती है इनको ओपन करने में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहीं पर भी वीडियो को स्किप ना करें, तभी जो नेकबैंड है वो आप रिपेयर करना सीख पाएंगे। तो यहाँ पर इसको ओपन करने के लिए सिंपली आपको एक ब्लेड की हेल्प ले लेना है। मैंने जितने भी नेकबैंड रिपेयर किए हैं उनको मैं ब्लेड से ही ओपन करता हूँ क्योंकि ब्लेड से ओपन हो जाते हैं ये, और यदि और किसी चीज़ से ओपन करेंगे तो ये जो स्पीकर है और जो कैप है स्पीकर का वो भी ख़राब हो सकता है। तो सिंपली इसकी जो ग्रिप है, इस ग्रिप पर इस ब्लेड को हल्का सा यहाँ पर इस टाइप से रख के पुश करना है, ये आप देखिए इस टाइप से। तो जो ग्रिप है ये यहाँ से ओपन हो जाती है, ये आप देखिए। ये जो ग्रिप है, इस ग्रिप पर हमने जो ब्लेड है वो यहाँ पर सर्कल कर लिया है, ये आप देखिए। यहाँ पर चारों साइड से जो ब्लेड है हमने इसको यहाँ पर पुश करके और इसकी जो ग्रिप है इसको ओपन कर लिया है। अब सिंपली करना क्या है कि इस साइड से आपको इसे पकड़ के इसका जो कैप है इसको तेज पुश करना है ताकि इसका जो कैप है ये इजीली निकल सके। तो आप देखिए यहाँ पर ये ओपन हो जाता है। यदि ओपन नहीं होता है तो आप साइड में से थोड़ा सा पेट्रोल से इसको भिगा लें ताकि इसकी जो ग्लू है वो मेल्ट हो सके। मेल्ट होने के बाद भी ये ओपन हो जाता है। तो अब आप यहाँ देखिए ये जो स्पीकर है इसका जो वायर है, ये वायर यहाँ टूटा पड़ा है जिस कारण से इसका जो स्पीकर है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है, वायर को कनेक्ट करने से पहले इसका जो स्पीकर है उसकी टेस्टिंग करना है ताकि हमें पता चल सके जो स्पीकर है वो कहीं ख़राब तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर है मेरे पास। यदि आपके पास इस टाइप का टेस्टर नहीं है तो आप जो मल्टीमीटर होता है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर, उससे भी इसको इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, तो ये जो स्पीकर है ये एकदम वर्क कर रहा है और इसमें हल्का सा एक साउंड भी आता है, हल्की सी एक यहाँ पर खरखराहट की आवाज़ आती है। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि जो स्पीकर है वो हमारा चालू है या नहीं। तो अब इसका जो वायर है ये शोल्डरिंग कर लेते हैं हम पहले, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ से इस वायर को शोल्डरिंग करने के बाद ये वर्क करता है या नहीं। यदि नहीं करेगा तो फिर मुझे ये यहाँ से भी ओपन करना होगा इस जगह से, इस जगह यहाँ पर शोल्डरिंग आयरन थोड़ा मेरा गर्म हो जाए, इसके बाद मैं इसकी शोल्डरिंग करूँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब इसका जो वायर है ये हम शोल्डरिंग करेंगे। इस वायर को शोल्डरिंग करने के लिए काफ़ी सिंपल सा तरीका है, ये जो वायर है इस पर एक्स्ट्रा शोल्डरिंग लगा लेना है पहले, शोल्डरिंग करने से पहले, ताकि जो वायर है वो ठीक से शोल्डर हो पाए।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब इसका जो वायर है ये शोल्डरिंग हो जाएगा आराम से, क्योंकि इस पर शोल्डरिंग लग गया है। शोल्डरिंग लगने के बाद ही ये शोल्डर हो पाता है। तो यहाँ पर वायर को शोल्डरिंग करने से पहले इसको थोड़ा कट करना होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वायर है, इतना लंबा वायर इसमें शोल्डर नहीं करना हमें। तो चलिए अब यहाँ आप देखिए जो वायर है वो ठीक कट कर दिया है। चलिए इसकी शोल्डरिंग करते हैं हम पहले, आप देखिए यहाँ। तो अब यहाँ देखिए जो वायर है वो मैंने काफ़ी बढ़िया तरीके से शोल्डर कर दिया है। और इसको फिट करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वायर शोल्डरिंग होने के बाद इसमें जो साउंड है वो आ रहा है या फिर नहीं। तो चलिए मैं फिर से अपना जो फ़ोन है वो उठा लेता हूँ, और अपना जो माइक है वो मैं निकाल लेता हूँ पहले। तो चलिए साउंड को प्ले कर लेते हैं पहले। तो अब जो बंद स्पीकर है पहले इसको इसकी ही टेस्टिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वायर को शोल्डरिंग करने के बाद भी यहाँ पर इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रही है, इस वाले स्पीकर में जो कि ख़राब था, और चालू वाले में तो आ ही रहा था। तो जो यानी कि ये वाला जो स्पीकर है अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं और फॉल्ट है। तो अब दोस्तों हमें इस हेडफोन को यहाँ से ओपन करना होगा, तो चलिए अब यहाँ से ओपन कर लेते हैं हम। ओपन करना है तो आप देख सकते हैं इसमें ओपन करने की कहीं से भी कोई भी जगह नहीं दी हुई है। तो इसको ओपन करने के लिए सिंपल सा एक मेथड है, सिंपली ब्लेड से पहले ये जो रबर है इस रबर को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा कुछ इस टाइप से। ये आप देखिए काफ़ी आसानी से हो जाती है, बस ध्यान रहे कि ब्लेड से ये जो रबर है ये कटे नहीं, क्योंकि ब्लेड काफ़ी तेज़ चलती है तो ये रबर कभी कभी कट भी जाती है, इस बात का आप थोड़ा विशेष ध्यान रहे। तो चलिए इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं ये जो रबर है हल्की सी कट भी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी रबर कट कट लग जाता है कभी कभी। तो इस रबर को अब सिंपली इस साइड से ऊपर कर लेना है, इस साइड से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इसका जो कैप है, इस कैप में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ग्लू लगी हुई है, आप देखिए यहाँ पर। तो इस ग्लू को थोड़ा सा क्लीन करके, और यहाँ से ये जो ग्रिप है इस ग्रिप को किसी भी कटर वगैरह से पकड़ के या फिर प्लास से पकड़ के इसको हमें सिंपली पहले बाहर निकालना है, ये जो कैप है आराम से। तो आप देखिए यहाँ से ये जो कैप है ये इस टाइप से बाहर आ जाता है। और अब ये कैप तो दोस्तों बाहर आ गया है, बट इसमें अंदर काफ़ी सारी ग्लू है, तो ये हमें कैसे निकालनी है वो आप देख लीजिए। और यहाँ देखिए आप पूरा फिक्स्ड है ये एकदम, तो इस यहाँ से इसकी ग्लू भी हमें निकालनी होगी। और इसको निकालने के लिए हमें इसके अंदर थोड़ा सा जो पेट्रोल है पेट्रोल डालना होगा ताकि ग्लू आराम से निकल सके। तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा ग्लू इसमें लगी हुई है, ये आप देखिए। थोड़ा सा पहले स्क्रू ड्राइवर से इसको क्लीन कर लेते हैं, आप देखिए यहाँ से। तो चलिए इसमें मैं थोड़ा सा जो पेट्रोल है वो डाल देता हूँ ताकि हम इसको निकाल सकें। आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो की स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी। तो जो पेट्रोल है वो मैं डाल देता हूँ, देखिए आप यहाँ पर आपके सामने ही कर रहा हूँ दोस्तों मैं। तो पेट्रोल हमने डाल दिया है पूरे में ताकि ये थोड़ा मेल्ट हो सके, देखिए आप यहाँ पर। इसको थोड़ा भीग जाने देते हैं पूरा, पेट्रोल डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसका जो सर्किट बोर्ड है उसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बेफिक्र होकर डाल सकते हैं बस। और कोई चीज़ ना डालें, आप थिनर भी डाल सकते हैं, बट थिनर मेरे पास है नहीं इसलिए मैंने कभी थिनर का यूज़ ज़्यादा मैं करता भी नहीं हूँ, पेट्रोल उड़ भी जाता है, थिनर का पता नहीं मुझे। अब सिंपली इसका जो सर्किट बोर्ड है इसको हमें ऊपर की साइड पुश करना होगा,
बट उससे पहले इसकी जो बटन्स हैं, इन बटन्स को भी हमें ओपन करना होगा। ये आप देखिए, इस टाइप से इसकी जो बटन्स हैं ये निकल जाएंगी। ये आप देखिए, बटन्स भी निकल गई हैं। तो यहाँ से हमें सिंपली इसको धकाना है। ये आप देखिए, हमें ऐसे धकाना है कि ये कहीं से डैमेज ना हो इसका जो सर्किट बोर्ड है, और आराम से निकल सके। तो यहाँ से मैं इसको धक्का देता हूँ। आप देखिए, आपके सामने दोस्तों एकदम लाइव दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी फेक बनाने वाली बात है ही नहीं। देखिए आप, निकलने लगा है। थोड़ा और पुश करता हूँ, थोड़ा सा और धकाता हूँ दोस्तों किसी चीज़ से मैं। तो देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर हमने काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको निकाल दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिए दोस्तों। और यहाँ पर जो इसका बोर्ड है वो हमने बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने दिया है कहीं से भी। तो यहाँ से चलिए, पहले इसका जो बोर्ड है ये मैं निकाल देता हूँ। ये आप देखिए, तो देखिए आप, अब यहाँ से ये वाला जो वायर है, प्रॉब्लम इसी साइड से आ रही थी इस वाले ब्लूटूथ हेडफोन में। तो हमें वो ही प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है जो कि हमने पहले की हुई थी उस साइड। तो इसका वायर हमको यहाँ से कट करना होगा और इसके बाद दोबारा से शोल्डरिंग करनी होगी। तो चलिए, पहले इसका वायर हम यहीं से कट कर लेते हैं। तो ये कट कर दिया है मैंने, और अब यहाँ से पहले इसको निकाल लेते हैं हम आराम से। तो ये निकाल लिया है, और यहाँ से इसकी जो रबर है ये भी निकाल लेते हैं। और इसमें दोस्तों एक पिन लगी होती है, वो भी इसमें निकलेगी इस साइड। तो चलिए, इसकी रबर को मैं साइड में रखता हूँ अभी। तो जो पिन है वो आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रही होगी ट्रांसपेरेंट में। मैं यहाँ से पहले इसकी पिन को निकालता हूँ, इसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए आप, जो पिन है पिन भी निकाल दिए मैंने। ये आप देखिए, यहाँ पर इस पिन को साइड में रखते हैं अभी। पहले इसकी जो रबर है इसको क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो कैप था इसकी रबर हमने निकाल दी है। अब वापस इसमें ये वाली जो रबर है इस वाले स्पीकर की, तो ये हम वापस इसमें डालते हैं पहले। तो पहले इस कैप को लगा लेते हैं हम, और इसके बाद यहाँ पर इसमें डालते हैं इस रबर को। देखिए आप, जो कैप है ये भी लग गया है, और जो वायर है वो भी आ गया है यहाँ पर। अब हमें करना क्या है दोस्तों, जो पिन हमने निकाली हुई थी ये वाली, इस पिन को भी लगाना होगा। तो यहाँ पर जो पिन थी ये भी मैंने ठीक कर ली है, अब इस पिन को भी हमें लगाना होगा। तो यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं कि जो वायर है वो हमें कितना चाहिए। तो जो वायर है वो हमें थोड़ा ही चाहिए। तो पिन हम लगाएंगे दोस्तों वायर के एकदम ऊपर। ये आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप, पिन एकदम फिट आ गई है यहाँ पर। और इस पिन को सिंपली हल्का सा कुछ दबा देना है किसी भी चीज़ से। ये देखिए आप,
तो ये दबा दिया है हमने इसको। और यहाँ पर दोस्तों इस वायर को वापस खींच लेते हैं इस कैप के अंदर। ये आप देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से, ये आप देखिए, और इस पिन को फंसा देते हैं इसी कैप में। तो ये फंस गई है आप देखिए। और यहाँ से दो वायर हमको निकाल लेने हैं पहले। तो यहाँ पर दोस्तों जो पिन है ये लगा दी है मैंने। अब इसके जो वायर हैं ये शोल्डरिंग करना है। तो चलिए वायर पर पहले शोल्डरिंग लगाएंगे हम, क्योंकि वायर तभी शोल्डर होता है। तो दोनों वायर पर सोल्डरिंग कर लिया है। चलिए अब इसका जो सर्किट बोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड, इस पर वायर की सोल्डरिंग कर लेंगे हम ठीक से। पहले ये वाले जो वायर हैं इनको रिमूव कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें ग्लू लगी हुई है, तो इस ग्लू को रिमूव करता हूँ मैं पहले। इसलिए जो सोल्डरिंग है वो हो नहीं पा रहा। ये देखिए आप, जो ग्लू है वो निकाल दिया मैंने। और चलिए अब जो शोल्डरिंग है वो हो जाएगा। तो ये वाली जो वायरिंग थी, प्रॉब्लम इन्हीं वायरिंग से आ रही थी, तो इसको हटाते हैं साइड में। चलिए इसके जो वायर हैं इनको शोल्डरिंग करते हैं अब। तो एक वायर मैंने शोल्डर कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों वायर को शोल्डर कर दिया है। तो वायर शोल्डरिंग होने के बाद अब इसकी जो फिटिंग है वो कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर इस कैप को मैंने निकाला हुआ था, तो इस कैप को लगा देते हैं पहले। ये आप देखिए, और इसका ये वाला जो कैप था ये भी हम लगाएंगे। तो ये आप देखिए यहाँ पर, और इसको सिंपली अंदर डाल देना है अब हमें। ये आप देखिए यहाँ, जैसा हमने निकाला हुआ था सेम वैसा ही हमें इसमें डालना है अंदर, इसका जो सर्किट बोर्ड है। और इसके बाद जो बटन्स हैं वो हम बाद में लगाएंगे। पहले इसका ये वाले जो कैप है ये ठीक से कर लेते हैं। अब सिंपली इसको हमें यहाँ से पुश कर देना है। ये आप देखिए, काफ़ी आराम से ये अंदर हो जाएगा। अभी थोड़ा और पुश करना होगा हमें। तो दोस्तों ये यहाँ पर आ गया है पूरा, जो इसका सिस्टम है वो थोड़ा सा इस साइड से कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए इसकी जो फिटिंग है वो आ गई है कंप्लीट। तो चलिए पहले इसको मैं ठीक से कर देता हूँ वापस वैसा ही फिक्स। इसका जो कैप था ये आप देखिए यहाँ पर, और इस वाले कैप को भी हमें लगा देना है पहले। ये आप देखिए, तो ये हमने लगा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्लूटूथ नेकबैंड है इसकी फिटिंग हमने कर ली है। और यहाँ पर ये जो रबर है इसको मैं इंस्टेंट ग्लू से बाद में चिपका दूंगा। चलिए अब इसके जो बटन्स हैं ये हम अभी फिट कर देते हैं, और इनमें भी थोड़ी ग्लू लगा के मुझे ये अच्छे से फिक्स करनी होगी। तो अभी मैं इसकी जो टेस्टिंग है वो आपको दिखा देता हूँ करके, इसके बाद मैं बाद में इसको फिक्स कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं
इस तरह से इसकी जो बटन्स हैं वो लगानी होंगी मुझे, तो ये मैं बाद में लगाऊंगा। तो चलिए अब इसको ऑन कर लेते हैं पहले। तो ये आप देख सकते हैं जो लाइट है वो ऑन हो गई है और कनेक्ट भी हो गया है जो ब्लूटूथ हेडफोन है। तो चलिए अब यहाँ पर जो साउंड है, साउंड की टेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ कि दोनों स्पीकर में अब साउंड आ रहा है या नहीं। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं अपना माइक निकाल देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ। तो इसका ये जो खराब वाला स्पीकर था, अब इसमें साउंड आने लगी काफी अच्छे से, आप सुन सकते हैं यहाँ पर। तो ये वाली स्पीकर में तो पहले से ही आ रही थी। तो इस तरह से दोस्तों ये जो वन प्लस का ब्लूटूथ नेकबैंड था हमने रिपेयर कर लिया है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया है कि जब भी आपके स्पीकर प्रॉब्लम करें तो आप इनको इस साइड से ओपन करें, इसके बाद यदि ये रिपेयर नहीं होते तब आपको यहाँ से ओपन करना है। और ओपन करने का जो तरीका था वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।